Hi guys, welcome back to my channel. Hope you are doing good and I'm sure you're liking my videos and finding them useful. So in today's video I am going to tell you how to get rid of milia. Milia, it is also called as a milk spot. Milia jo hai ye hame eye area mein aata hai mostly. Nose area mein. Forehead pe nahi aata hai. ये वाला जो पोर्शन है आई एरिया का प्लस नोज एरिया का, यहाँ पे हमें मिलिया आता है. न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं उनमें ये कॉमन सी बात है, बट वो जल्दी उनका निकल जाता है मिलिया. और ये एडल्ट्स में भी होता है. एडल्ट्स में ये नोज एरिया और आई एरिया के पास आता है. ये मिल्की स्पॉट होते हैं और पिंपल्स के जैसे होते हैं, बट वो हमें उसकी वजह से हमें पेन नहीं होता है, कुछ होता नहीं है उससे हमें, बट वो रिमूव भी नहीं होते हैं जल्दी. वो काफ़ी समय तक रहते हैं और कभी कभी किन्हीं किन्हीं को वो बढ़ते जाते हैं. किसी किसी को एक दो ही आते हैं, कुछ लोगों को वो काफ़ी सारे आते हैं. वाइट और येलोइश कलर में होता है मिलिया. तो मिलिया से कैसे छुटकारा पाए, इसे कैसे फेस से रिमूव करें, इसके लिए मैं आज आपको एक होम रेमेडी बताऊंगी जो कि काफ़ी इफेक्टिव होम रेमेडी है. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. हमें जो इंग्रेडिएंट चाहिए उसमें है शुगर. मैं वाइट शुगर यूज़ कर रही हूँ. आप चाहे तो ब्राउन शुगर भी यूज़ कर सकते हैं. और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जो है वो है हनी. ये दो इंग्रेडिएंट यूज़ करके हम एक पैक बनाएंगे और उससे हम मसाज करेंगे. और ये पैक में सबसे जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है हनी. हनी में जो है एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती है. जब हम स्क्रब करते हैं शुगर जो है वो एक्सफोलिएशन का काम करेगा. शुगर से जो है मिलिया जो है रिमूव होगा और हनी में जो है एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती है, उसकी वजह से जो है हमारी स्किन मॉइस्चराइज रहेगी. और स्पेशली हनी की वजह से मिलिया जो है वो जल्दी रिमूव होता है. तो अभी मैं बताती हूँ इसे कैसे अप्लाई करना है, कब अप्लाई करना है और कितने समय तक, कितने ड्यूरेशन तक आपको ये अप्लाई करना है. तो एक बॉल में हाफ स्पून से भी कम शुगर लूँगी और इसमें हम हनी ऐड करेंगे. मैं डाबर का हनी यूज़ कर रही हूँ. अगर आपके पास रॉ हनी है तो वो सबसे बेस्ट रहेगा रॉ हनी यूज़ करना. उससे उसके इफ़ेक्ट ज़्यादा अच्छे होते हैं. इसमें हनी ऐड करेंगे और इन दोनों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे. तो ये जो है एक स्क्रब बन जाएगा. आप चाहे तो इसमें लेमन भी ऐड कर सकते हैं, उससे स्किन वाइटनिंग भी होगी. स्क्रब है ये. इसे हमें जहाँ पे भी आपको मिलिया है, वाइट स्पॉट्स, मिल्की स्पॉट्स है, जहाँ पे भी आपको मिलिया है या वाइट स्पॉट्स है, वहाँ पे आप इसे रब करना है. बट आपको ये अप्लाई करने से पहले स्टीम ले लेनी है और इसे अप्लाई करना है. और आपको ये जो स्क्रब है ये डेली अप्लाई करना है जब तक वो रिमूव नहीं होता है. इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है. आपकी अगर सेंसिटिव स्किन भी है तभी भी आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, बिकॉज ये शुगर और हनी में कोई केमिकल्स नहीं है तो इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं रहेंगे. ये तो आपको जहाँ पे भी मिलिया है वहाँ पे आपको जस्ट इसे अप्लाई करके स्मूथली इसे रब करना है. और ये बहुत ही जेंटली आपको मसाज करना है मिलिया के ऊपर. इससे क्या होगा, शुगर जो है वो एक्सफोलिएशन का काम करेगा, प्लस हनी जो है इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती है जिसकी वजह से मिलिया जो है वो स्किन से रिमूव हो जाता है या ब्रेक हो जाता है या निकल जाता है. और हनी से जो है आपकी स्किन जो है मॉइस्चराइज भी रहेगी, ड्राइनेस भी नहीं आएगा आपकी स्किन पे. और ये अप्लाई करने से जो है ये आपको डेली अप्लाई करना पड़ेगा जब तक मिलिया कम नहीं होते हैं आपके फेस के. तो आपको जस्ट मसाज करना है थोड़ी देर तक. इसके पहले आप स्टीम भी ले सकते हो. स्टीम लेके अप्लाई करोगे तो इसके रिजल्ट्स आपको जल्दी मिलेंगे और अच्छे मिलेंगे. सो फ्रेंड्स, इसके बाद फिर हमें वॉश कर लेना है हमारा फेस. तो इससे जो है आपकी मिलिया जो है वो कम हो जाएंगे. एक दिन में इसका रिजल्ट नहीं आएगा, आपको ये डेली यूज़ करना पड़ेगा, तब जाके आपको इसके रिजल्ट्स मिलेंगे. और ये बहुत ही सिंपल सी होम रेमेडी है मिलिया को रिमूव करने के लिए. और सो दैट्स इट फ्रेंड्स. आई होप यू लाइक माई टूडेज वीडियो. प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल शिमरिंग श्रद्धा. टिल देन बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.